अंतरा सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। अंतरा को डर था कि सिद्धार्थ कहीं श्रेया के साथ तो नहीं। अगर ऐसा होता तो अंतरा पक्का श्रेया को नहीं छोड़ेगी। अंतरा ने अपने एक हाथ को अपने कमर पर रखकर खुद से कहा, अब ये सिद्धार्थ कहाँ चला गया? गॉड डोंट टेल मी कि वो श्रेया के साथ है, अदरवाइज आई विल किल हर। तभी अंतरा ने सिद्धार्थ को सामने से आते देखा और उससे पूछने लगी, सिद्धार्थ कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम उस वक्त जब मॉल से बाहर गए थे मैंने तुम्हें हर जगह देखा, लेकिन तुम कहीं दिखे ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब घर चले। अंतरा बोले जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ सिर्फ अपनी दुनिया में गुम था। वो बस खुद के और श्रेया के स्पेशल लम्हों के बारे में सोच रहा था। वो यही सोच रहा था कि काश श्रेया और उनके खास लम्हे वहीं रुक जाते, लेकिन अंतरा, ईशा और लिली की आवाज़ ने उनके स्पेशल पल पर पानी फेर दिया। अंतरा सिद्धार्थ को कई देर से आवाज़ लगाई जा रही थी, लेकिन वो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी वहीं से श्रेया, लिली और ईशा के साथ मॉल से बाहर निकली, जिसके बाद सिद्धार्थ की आँखें श्रेया से जा मिली। उन दोनों के रिएक्शन को देखकर अंतरा समझ गई कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे कुछ देर पहले एक दूसरे को सुनाने वाले सिद्धार्थ और श्रेया अब एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। तभी अंतरा ने अपने दिमाग में सोचा, नहीं, इससे पहले इन दोनों के बीच की नज़दीकें और बढ़ जाएं, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा जिससे सिद्धार्थ और श्रेया अलग हो जाए। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अंतरा ने इस बार जोर से चिल्लाते हुए सिद्धार्थ का नाम लिया। क्या हुआ अंतरा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सिद्धार्थ ने अपने सपनों की दुनिया से बाहर आकर कहा, सिद्धार्थ मैं तुमसे कभी सिद्धार्थ मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ और तुम्हारा ध्यान किधर है? वैसे भी शाम हो गई है, हमें देर हो रही है, हमें अपने घर चलना चाहिए। अंतरा ने अपने बातों को कहते वक्त सिद्धार्थ के बाजुओं को पकड़ रखा था, जिससे वो श्रेया को दिखा सके कि सिद्धार्थ और अंतरा अब एक हो गए हैं। वहीं अंतरा को अपने बाजुओं को पकड़ता देख सिद्धार्थ ने उसकी तरफ घूर कर देखा। सिद्धार्थ की काली गहरी आंख ने अंतरा को डरा दिया था, जिसके बाद अंतरा ने तुरंत अपना हाथ सिद्धार्थ के बाजुओं से हटाया। वहीं सिद्धार्थ और अंतरा की नजदीकियों को श्रेया देख रही थी। श्रेया ये सोच रही थी कि कुछ भी अभी और उसके सिद्धार्थ के बीच में जो हुआ वो महज हादसा था, इसीलिए इस वक्त श्रेया खुद को महज अंतरा की सब्स्टिट्यूट समझ रही थी। उसने अपनी नजरें सिद्धार्थ और अंतरा से हटाई और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। वहीं सिद्धार्थ और अंतरा सिद्धार्थ के फ्लैट में चले गए। फ्लैट में पहुंचते ही अंतरा सबसे पहले अपने रूम में गई और अपने बैग से फोन निकालकर किसी को फोन करने लगी। फोन के 3 बार रिंग होने के बाद उस शख्स ने अपना फोन उठाया। उस शख्स ने फोन उठाने के बाद उसे अंतरा ने गुस्से से कहा, इतना वक्त लगता है फोन उठाने में, कहाँ थी जो इतना वक्त लग रहा था? खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारे हॉलीडेज कंप्लीट हुए या नहीं? अगर हो गया तो अपना सामान उठाकर फटाफट इंदौर आ जाओ, और अगर नहीं हुआ तो अपनी नौकरी को हाथ से दो बैठो, समझी? इतना कहकर उसने अपना फोन रख दिया। अंतरा को अपनी असिस्टेंट प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे वो फोन करके इतना सुना रही थी। वहीं सिद्धार्थ के पास भी विकी का फोन आया। विकी ने सिद्धार्थ को बताया कि फैशन शो के दौरान अंतरा को उनके प्रोजेक्ट के लिए फाइनल किया गया था और इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए जल्द शूट करना चाहते थे, जिसके लिए सिद्धार्थ को भी अंतरा को ज्वाइन करना था, क्योंकि ये शूट रॉय ग्रुप की मार्केटिंग के लिए जरूरी था और इस प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ की जान बसती थी। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो सिद्धार्थ बिजनेस वर्ल्ड का किंग बन जाएगा और बिजनेस की दुनिया में उसका बड़ा नाम बन जाएगा, जो कि इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग जरूरी थी, तो सिद्धार्थ भी अंतरा के साथ शूट के लिए अग्री हो गया। दूसरी तरफ श्रेया सिद्धार्थ के मॉल वाली हरकत को नहीं भूल पा रही थी। उसे ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि क्या सिद्धार्थ ने उसे मॉल में जो कुछ भी कहा वो सच था। श्रेया यही सोचकर अपने बिस्तर पर करवटें ले रही थी और कुछ ही पल बाद उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ के फ्लैट की किसी ने कॉल बेल बजाई। कॉल बेल की आवाज सुनकर अंतरा ने दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला। अंतरा इस उम्मीद में थी कि सुबह उठकर उसे सिद्धार्थ का चेहरा देखने को मिलेगा, जैसा कि जिस दिन वो वापस आई अंतरा ने उस दिन सिद्धार्थ को रोक लिया, लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ ने उसे खुद को रोकने के लिए मना कर दिया। अंतरा ने दरवाजा खोला तो उसे वहां अपनी असिस्टेंट प्रिया दिखी, जो कि अपने चेहरे पर ब्यूटीफुल स्माइल लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। प्रिया ने अंतरा को गले लगाकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? अंतरा ने भी प्रिया को गले लगाकर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे हॉलीडेज कंप्लीट हो गए? हाँ कंप्लीट हो गए। तभी अंतरा ने उससे कहा, गुड, मेरे लिए तुम्हारे पास एक बेस्ट जॉब है, समझी? तुम्हें एक काम में मेरी
गुड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट जॉब है। तुम्हें एक काम में मेरी मदद करनी होगी। हाँ बताओ ना, कैसा काम? प्रिया ने कहा। तभी अंतरा प्रिया से कुछ कहने लगी। उस वक्त प्रिया और अंतरा किसी विलेन से कम नहीं लग रही थी। प्रिया और अंतरा की बात खत्म होने के बाद उनके चेहरे पर शैतान वाली हंसी दिख रही थी। कुछ देर बाद अंतरा के फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आया। सिद्धार्थ ने अंतरा को बताया कि आज शाम को प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए शूट होगा, जिसमें वो और अंतरा साथ होंगे, इसलिए शाम के 4 बजे वो सीधे सिद्धार्थ के ऑफिस आ जाए। अंतरा सिद्धार्थ की बात सुनकर खुश हो गई और अपने कमरे में शीशे के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने कुछ कपड़ों को पकड़कर देखने लगी कि कौन से कपड़े उस पर जच रहे थे। अंतरा चाहती थी कि आज की शूट के दौरान सिद्धार्थ की नजर सिर्फ उसी पर रहे, जिससे वो सिद्धार्थ को अपने प्यार में पागल कर सके। शाम के 4 बजे अंतरा रेडी होकर सीधे सिद्धार्थ के ऑफिस चली गई। उसने ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था और अपने बालों को खुला रखा था। लाइट मेकअप के साथ अंतरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंतरा ऑफिस में आने के बाद सीधे सिद्धार्थ के केबिन में चली गई, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद उसका खिलखिलाया चेहरा उदास हो गया, क्योंकि वहां सिद्धार्थ नहीं, विकी बैठा था। विकी को वहां देखकर अंतरा ने उससे पूछा, हेलो यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सिद्धार्थ कहाँ है? उसने तुम्हें अपने केबिन में रहने की इजाजत कैसे दे दी? विकी ने भी अंतरा के सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, मिस अंतरा, आपको शायद अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करने की तमीज नहीं है, या शायद आप तमीज सीखना भूल गई हैं। अगर ऐसा है तो मैं तमीज सिखाने में आपकी मदद कर देता हूँ। अंतरा विकी की तरफ गुस्से से घूर रही थी। लिसन, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, बल्कि अपने सिद्धार्थ से मिलने आई हूँ, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो और बताओ कि सिद्धार्थ कहाँ है। एक मिनट अंतरा, अपनी लाइन को ठीक करो। तुम्हारा सिद्धार्थ नहीं, श्रेया का सिद्धार्थ। सिद्धार्थ फिलहाल श्रेया का पति है, तो इस लिहाज से वो श्रेया का हुआ, तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम तो सिद्धार्थ को मंडप पर छोड़कर भाग गई थी ना, विकी ने जवाब दिया। विकी की बात ने अंतरा का खून खौला दिया। उसने विकी से कहा, सिद्धार्थ कब तक श्रेया के पास रहेगा? और वैसे भी श्रेया मेरी सब्स्टिट्यूट है, जिसे मेरे वापस आने के बाद जाना ही होगा, और देखो मेरे बिना कुछ कहे उसने कैसे अपने कदम पीछे ले लिए। तो विकी, मेरे होते हुए श्रेया का कोई चांस ही नहीं बनता जिससे वो मुझे और सिद्धार्थ को अलग कर सके, वो तो वक्त बताएगा। अंतरा, और वैसे भी क्या तुम्हारे वापस आने के बाद सिद्धार्थ ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है या श्रेया को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? नहीं ना। तो मिस अंतरा, ओवर कॉन्फिडेंस पालना ठीक नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी भलाई ही है। और हाँ, थोड़ी देर में शूट होने वाला है, तो यहाँ खड़ी होकर अपना और खास करके मेरा तो टाइम वेस्ट मत करो। दरवाजा उधर है, तुम जा सकती हो। विकी ने अपनी इंसल्ट करवाने के बाद अंतरा केबिन से गुस्से में चली गई। और शूट लोकेशन पर पहुंची, जहां सिद्धार्थ पहले से मौजूद था। सिद्धार्थ को देखकर अंतरा का गुस्सा फिर से इनोसेंट वाले नाटक में बदल गया और अंतरा का नाटक शुरू हो गया। अंतरा सिद्धार्थ की तरफ गई और उससे गले लगाकर कहने लगी, हाय सिद्धार्थ, कैसे हो? सिद्धार्थ ने अंतरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ चला गया। सिद्धार्थ के रिएक्शन से अंतरा उदास हो गई और ग्रीन रूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद अंतरा रेडी होकर बाहर आई। शूट खत्म होने के बाद अंतरा ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ को देखकर लग रहा था कि वो वापस जो हो रहा हो, लेकिन अंतरा की आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अंतरा उसकी तरफ गई और कहने लगी, सिद्धार्थ क्या तुम घर जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अंधेरा हो गया है और मेरी गाड़ी भी खराब है, जिसे मैं आज घर पर छोड़कर आई हूँ। सिद्धार्थ ने अपना सर हाँ में हिलाया। अंतरा चेंज करके बाहर आई और सिद्धार्थ के साथ चली गई। सिद्धार्थ और अंतरा साथ में घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अंतरा को एक रेस्टोरेंट दिखा, जिसके बाद अंतरा ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ गाड़ी रोको, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो क्या हम आज यही डिनर कर ले? देखो प्लीज मना मत करना, प्लीज। सिद्धार्थ भी अंतरा की बात मानकर गाड़ी से बाहर आया और दोनों उसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ सिद्धार्थ और अंतरा पहले जाया करते थे, और कुछ वक्त पहले सिद्धार्थ श्रेया को लेकर गया था। दोनों अंदर गए तो होटल के वही वेटर दोनों का तरफ देखकर कहने लगे, देखो मैंने कहा था आज ये सर उन्हीं मैडम के साथ आए जिनके साथ वो 3 महीने पहले रोजाना आया करते थे, और उस दिन किसी और मैडम के साथ थे। लेकिन सच कहूँ तो उस दिन जो मैडम आई थी ना, वो इन मैडम से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये मैडम तो हमेशा अकड़ में बात करती है। सिद्धार्थ और अंतरा के टेबल पर बैठे दोनों ने अपना ऑर्डर दिया।
थोड़ी देर बाद दोनों का ऑर्डर आया। उस वक्त अंतरा सिद्धार्थ की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी ड्रेस पर गलती से वेटर ने कुछ गिरा दिया। अंतरा गुस्से में उस वेटर पर चिल्लाने लगी। हालांकि उस वेटर ने अंतरा से अपनी गलती की माफी भी मांगी, लेकिन अंतरा अपना घमंड दिखाने से पीछे नहीं हट रही थी। वो लगातार वेटर को फटकार लगाए जा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अंतरा से कहा कि वॉशरूम जाकर अपनी ड्रेस साफ कर ले। सिद्धार्थ की बात मानकर अंतरा वॉशरूम गई और अपनी ड्रेस साफ करने लगी। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने उसी वेटर के कुछ कहते हुए सुना। वो वेटर दूसरे वेटर से कह रहा था, देखो मैंने कहा था ये मैडम बहुत घमंडी है। 3 महीने जब वो सर के साथ हमारे होटल में आया करती थी वो इसी तरह अकड़ दिखाती थी, और उस दिन जो मैडम सर के साथ आई थी वो कितनी सुंदर और शांत स्वभाव की थी। अंतरा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो समझ गई कि वेटर श्रेया के बारे में बात कर रहा था। अंतरा वापस वॉशरूम गई और शीशे में खुद का चेहरा देखकर चिल्लाते हुए कहने लगी, श्रेया 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 तुम समझती क्या हो खुद को? मैं 3 महीने के लिए क्या चली गई, तुमने मेरे पीछे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरे माँ पापा, फिर शादी, और अब मेरा सिद्धार्थ। लेकिन इस बार मैं तुम्हें मेरा सिद्धार्थ मुझसे नहीं छीनने दूंगी, क्योंकि सिद्धार्थ सिर्फ मेरा है और मैं अपने सिद्धार्थ को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इसके बाद अंतरा ने किसी को फोन किया और कहा, हेलो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अंतरा ने फोन पर बात कर रहे शख्स से कुछ कहा। थोड़ी देर बाद अंतरा ने फोन काटने से पहले उस शख्स से कहा, गुड, मेरा काम करने के बाद तुम्हारे पैसे भी तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। इतना कहकर अंतरा ने अपना फोन काट दिया और शीशे में फिर खुद को देखकर कहने लगी, श्रेया बेबी जस्ट वेट, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में आए तूफान को कोई नहीं रोक पाएगा, खुद तुम भी नहीं। थोड़ी देर बाद अंतरा बाहर आई। वहीं सिद्धार्थ उसका इंतजार कर रहा था। अंतरा को देख सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम्हें ड्रेस साफ करने में इतना टाइम क्यों लगा? अंतरा कुछ कहती इससे पहले सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया, खैर रहने दो, रात बहुत हो गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर अंतरा ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। होटल के बाहर निकल कर जब वो दोनों पार्किंग में गए तो अंतरा ने जान बूझ कर अपना पैर मोड़ लिया और उसे संभालते हुए सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर तक अंतरा सिद्धार्थ की बाहों में रहकर उसे देखती रही, जिसके बाद सिद्धार्थ ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, अंतरा हम चले, देर हो रही है। अंतरा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई। वहीं सिद्धार्थ अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि अंतरा उससे कहने लगी, ओ मेरा पैर सिद्धार्थ, मैं चल नहीं पा रही, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, देखो ना मैं आगे नहीं चल पा रही। सिद्धार्थ भी अंतरा की मूंछ की तरफ देखने लगा। तभी अंतरा ने उससे कहा, सिद्धार्थ क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठा सकते हो, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही, प्लीज। सिद्धार्थ अंतरा की तरफ हैरानी से देखने लगा, क्योंकि अंतरा उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। तब सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया। तब अंतरा ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वो और सिद्धार्थ एक दूसरे से प्यार करते हो। अंतरा ने अपना सर सिद्धार्थ के चेस्ट पर रख लिया। उसकी मैस्कुलर बॉडी जैसे अंतरा को कवर कर रही थी। सिद्धार्थ का हैंडसम बॉसी ऑरा ऐसा था जिससे कोई भी लड़की उसकी तरफ खींची चली आए। खुद अंतरा भी सिद्धार्थ के हैंडसम चेहरे से नजर नहीं हटा पा रही थी। सिद्धार्थ ने अंतरा को अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों फ्लैट पहुंचे। अंतरा गाड़ी से लंगड़ा कर बाहर निकली और फ्लैट की तरफ लंगड़ा कर जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो वहां से चला गया। वहीं 4 दिन की लगातार शूट के दौरान अंतरा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रही थी जिससे वो सिद्धार्थ के करीब जा सके। अंतरा हर शूट के 4 तक सिद्धार्थ को उसी होटल में ले जाती या तो किसी पार्क में, और सिद्धार्थ के करीब जाने की कोशिश करती थी। शूट के 4 दिन बाद अगली सुबह श्रेया के पास लिली का फोन आया और उसने श्रेया को टीवी ऑन करने को कहा। श्रेया थोड़ी परेशान हो गई कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लिली ने उसे टीवी ऑन करने को कहा। श्रेया ने जब टीवी ऑन किया तो वो हैरान हो गई, क्योंकि हर न्यूज चैनल्स में हेडलाइन थी, क्या सुपर मॉडल अंतरा को डेट कर रहे हैं बिजनेस किंग सिद्धार्थ रॉय। इन हेडलाइंस के साथ में सिद्धार्थ और अंतरा के कुछ फोटोज भी थे जिसमें सिद्धार्थ और अंतरा एक दूसरे के बहुत करीब नजर आ रहे थे। एक तस्वीर ग्रीन रूम की थी जिसमें दोनों ने आंखें बंद करके एक दूसरे को गले लगा रखा था। दूसरी तस्वीर में दोनों की होटल वाली तस्वीर थी। एक तस्वीर मॉल में शॉपिंग के दौरान थी, एक तस्वीर जिसमें सिद्धार्थ ने अंतरा को अपनी गोद में उठा रखा था, और एक तस्वीर में दोनों पार्क में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये सारी तस्वीरें देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए।
यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।